हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। और मैं आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं इनके बारे में बात किए थे, और उसमें से पहले पार्ट के बारे में बात किए थे जिसको हम क्या कहते थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं आपको क्या बताया था, उसकी डिफिनेशन क्या होती है और सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हम क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको क्या बताया था पीछे, मैं आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है और टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, और आप क्या करिए, पहले इन सभी वीडियो को देख लीजिए जिससे जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ उसको और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले से लिख चुका हूँ टेंस, और टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पहला पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मैं आपको इसकी डिफिनेशन और इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या थी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें मैं आज क्या बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जितने भी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उन सभी का रूल बताने वाला हूँ। तो जब तक अगर आपको रूल नहीं पता रहेगा तब तक आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हमको इसमें देखिए पहला रूल किसके बारे में पढ़ना है और पहला सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, पहला सेंटेंस आपको मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ए यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब मैं इसकी डिफिनेशन नहीं बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। मैं किसी भी सेंटेंस की डिफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है वो क्या करेगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, उसकी पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए फिर आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़िए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता, पहले आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं और इसमें रूल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था जो इम्पॉर्टेंस पॉइंट लिखा रहा था वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आया था। और अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको क्या बताया था, याद है आपको, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम इसका रूल बनाएंगे वर्ब में केवल यस या यस का यूज करेंगे, यस या यस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूल। रूल लिखने से पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे पॉइंट मिलेगी, तो ध्यान से सुनिए, मैं इसको लिखवाने वाला नहीं हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आप क्या करिए, लिख लीजिए साथ साथ में, यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट बना लीजिए उसके बाद लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान से सुनिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। एक बार और सुन लीजिए,
अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब यही जो पॉइंट बोला हूं सेम डिक्टो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल मिल जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, पहले सर्वप्रथम क्या आया, सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस, इसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, ठीक है। इसके बाद वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इस वर्ब में आपको क्या करना है, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका फुल स्टॉप। ये आपका रूल हो गया किस सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं केवल इस वीडियो में रूल्स के ही बारे में बताऊंगा, ट्रांसलेट नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एन यस लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया और डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बट कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करते थे, डू या डज, याद रहे। इसमें कभी भी हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इट मीन्स डू और डज का यूज नहीं करते हैं। इसके स्थान पे हम यस या ईएस का यूज करते हैं, वो भी वर्ब में, ठीक। अब इसमें पॉइंट लिखिए, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक बार और सुन लीजिए, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेम जो पॉइंट बोला हूँ यहाँ पर, वही पॉइंट से हम क्या करेंगे, रूल लिख लेंगे। पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, फिर प्लस, उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब में आपको लिखना है डू या डज प्लस नॉट, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज नहीं होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ए आपका हो गया रूल। क्लियर? याद रहे जैसे जहां पर डू और डज लग गया वहां पर हम यस या ईएस का यूज, यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में आई यस, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉइंट क्या होती है, पॉइंट लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले डू या डज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक बार और सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले डू या डज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखना है, रूल देखिए, पहले हम क्या कहे हैं, सब्जेक्ट बोले हैं, यहां पर लिखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट बोले हैं और सब्जेक्ट के पहले क्या करना है, डू या डज का यूज करना, डू या डज, डू या डज
प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल हो गया किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद आपका चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यहां शॉर्ट फॉर्म में यस लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस एन यस। ठीक, तो अब हमको चौथे सेंटेंस का रूल लिखना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे और इसमें पॉइंट क्या होती है उसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले डू या डज, सब्जेक्ट के पहले डू या डज कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, एक बार और सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले डू या डज कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल लिखेंगे जैसे बोले हैं वैसे। पहले आपको हम बताए हैं डू या डज, क्लियर, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। ठीक, इसके बाद मैं आपको क्या बताया, ए नॉट है टी, प्लस मत समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलना, ठीक है, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है। तो ये आपके देखिए चार सेंटेंस के रूल हुए हैं। जो आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बच रहा है इसको मैं आपको कहाँ बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब आपको सभी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे हैं, हम आपको रूल बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का ए आपका रूल है, सबको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आपका निगेटिव सेंटेंस दूसरा है, तो ए देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ए रूल है। ऐसे ही आपको एकदम याद रखना और इसी रूल पे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। ठीक, ऐसे आपका चौथा सेंटेंस है जिसका रूल आपको नीचे हम लिख दिए हैं, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए वो क्या है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, अगर आपको पहले मिल गया कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव, अभी मैं आपको पीछे बताया था एएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का ए रूल है, रूल क्या बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल था ना। जब मैं आपको पॉइंट लिखवाया था तो मैं वहाँ पर ए बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या करोगे, वर्ब में यस या यस का यूज करोगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आपको पहली पॉइंट मिलेगी, ध्यान से समझना, और आप सबको सब्जेक्ट पता है ना कि कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है, नहीं पता है तो मैं इन सभी के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक एसओबी नाम से, ठीक है, एसओबी नाम से आपका वीडियो मैं बना चुका हूँ, और आप चैनल ओपन करके आप देख लीजिएगा, वीडियो ओपन करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा एसओबी, और वहाँ पर मैं सब बताया हूँ। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दो प्रकार से मिलेगा, सब्जेक्ट दो केस में रहेगा। ठीक है, पहला आपको रहेगा सिंगुलर में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा आपको मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट।
देखिए जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है और एनी नेम, एनी नेम। क्लियर है? और प्यूलर के केस में क्या हो जाएगा, आई वी यू दे। ठीक है, अब बात आती है हमको वर्ब में यस या ईएस का यूज करना है। तो जब हम कैसे यस या ईएस का यूज करेंगे इसको समझ लो, यस या ईएस का यूज कहाँ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ईएस का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी आपको कोई वर्ब मिलेगी, जब भी आपको कोई वर्ब मिलेगी और वो वर्ब किससे इंड होगी, यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको तो समझ गए ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ और आपका यक्स। ठीक है, अगर कभी भी कोई भी वर्ब लास्ट में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ या यक्स से इंड होती है, जैसे देखो जैसे गो, ठीक, और आपका गो हो गया, रिसर्च, ये वर्ब के अंत में ओ आ गया या सी एच आ गया, तो आप हमेशा याद रखिए ये जो आपका छः लेटर हैं, ठीक है, ये जो आपको छः लेटर हैं अगर वर्ब के अंत में आते हैं तो आप हमेशा ई एस का यूज करोगे। ठीक, और यस का यूज कहाँ करोगे, जब ये जो आपके अक्षर यहाँ पर मैं बताया हूँ अगर इन सभी से, इस लेटर से जो वर्ब इंड में ना आए वहाँ पर हम क्या करेंगे, यस, जैसे बीप, ठीक, रीड, यहाँ पर देखो इंड हो रहा है जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है, पी और डी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इन दोनों में हम यस का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जब आपको वर्ब में कब लगाना है ये भी ध्यान देना है, वर्ब में कब हम यस या ईएस का यूज करेंगे, ये तो मैं आपको बता दिया कि वर्ब जब मिलेगी तो वहां पर ईएस लगेगा कि यस लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कैसे यूज करना है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं। क्लियर है? जब यहां पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट प्यूलर आ गया, प्यूलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, प्यूलर सब्जेक्ट के, अगर प्यूलर सब्जेक्ट आ गया, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बस हम केवल क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा तब जाके आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करोगे, और अगर आपको प्यूलर सब्जेक्ट मिलेगा तो वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज नहीं करोगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा प्लूरल मिलेगा, उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वहाँ पर आपको वर्ब में यस या यस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में पहले से ही बता दिया कि कल आपको बताने की आवश्यकता ना रहे, कि नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से यहाँ तक समझ लीजिए। देखिए, एक चीज़ अभी और बच रहा है, डू और डज का यूज कैसे करते हैं, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल्स, मतलब रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सभी सेंटेंस के रूल्स आप पढ़ लिए। ठीक है, उसमें कैसे रूल आता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सबके रूल्स के बारे में हम पढ़ें। और मैं आपको बताया कि जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब में यस या यस का यूज होगा कि नहीं होगा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लिए। और यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।